प्रदेश की जयराम सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में चहुमुखी विकास कर रही है। आज देवका पुजला संपर्क मार्ग व नवनिर्मित स्कूल भवन का लोकार्पण स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक बिंदल का क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देवका पुडला स्कूल के नवनिर्मित भवन समेत देवका संपर्क मार्ग का आज लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि 1954 में खुले देवका स्कूल को भाजपा की जयराम सरकार ने पहले मिडिल और फिर हाई स्कूल का दर्जा दिया है। इसके अलावा प्रदेश की जयराम सरकार ने क्षेत्र में वेटरनरी डिस्पेंसरी खोलने को लेकर भी मंजूरी दे दी है और जल्द यहां खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार लगातार विधानसभा क्षेत्र नाहन का चौमुखी विकास कर रही है, जिसके लिए विधायक बिंदल ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। देवका पुडला पंचायत में देवका की सड़क का लोकार्पण हुआ। मिडिल स्कूल देवका पुडला के नए भवन का लोकार्पण हुआ। चंद ही दिनों के बाद यहाँ के हाई स्कूल का भी लोकार्पण होने वाला है और हमारे यहाँ की वेटनरी डिस्पेंसरी का लोकार्पण भी चंद दिनों के बाद होगा। 1954 में बना हुआ ये स्कूल हमारी सरकार में, अभी इसी सरकार के दौरान हमने इसको मिडल किया और श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा इसी समय में इसको हाई स्कूल किया है। इसके लिए हम इलाका वासियों को बधाई देते हैं। यह इलाका जो पीने के पानी से बरसों से महरूम था, इसे गिरी का पानी दे करके लोगों की प्यास को बुझाने में हमें कामयाबी मिली। वेटनरी डिस्पेंसरी की मांग पिछले 20 साल से इनकी आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान पूरी हुई है। आज बरसात के बावजूद लोगों में भारी उत्साह है और भाजपा के प्रति जो समर्पण यहाँ दिखाई देता है, उसके लिए हम इलाका वासियों का धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रकार से सड़क और स्कूल और वेटनरी के लिए बधाई देते हैं।